जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारे लास्ट वीडियो में हमने हमारे कस्टम रिसाइकल व्यू के ऊपर हमने बात किया था, तो आज की वीडियो में हम इसको एयरटेबल के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं वो आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एयरटेबल स्प्लेसेज का कंपोनेंट ले लिया है और इसके अंदर हमने API की बेस ID और टेबल नेम हमने सेट कर दिया है। तो एयरटेबल के अंदर हमने यहाँ पे रिसाइकल व्यू करके हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लिया और उसके बाद 3 कलम हमने क्रिएट किया, टाइटल, सब टाइटल एंड इमेज, और इसके अंदर हमने 1500 रिकॉर्ड इसके अंदर इंप्लीमेंट कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको हम किस तरीके से इस कस्टम रिसाइकल व्यू के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए तो हम चलते हैं ब्लॉक सेशन में। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं इसकी इनिशियलाइजिंग का ब्लॉक और उसके साथ हम गेट कॉलम का ब्लॉक यूज़ करके इसको हम जो कि डाटा है वो हम गेट करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसकी इनिशियलाइजिंग का ब्लॉक और इसके साथ हम यहाँ पर गेट कॉलम वाला ब्लॉक को हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कॉलम नेम एंड मैक्स रिकॉर्ड हमें यहाँ पे सेट करना होगा। तो मैक्स रिकॉर्ड के लिए हम यहाँ पे जितना डाटा हमें स्टार्टिंग में यहाँ पे लोड करना है तो वही मैक्स रिकॉर्ड हम इसमें सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो कि हमारा कॉलम नेम वो हम यहाँ पे सेट करेंगे, जो कि टाइटल वो हम इसमें सेट कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे जो कि मैक्स रिकॉर्ड के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उस वेरिएबल को नाम हम सेट कर देते हैं साइज, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक मैथ्स का 0 हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। और इनिशियलाइजिंग के अंदर हम साइज़ को सेट करेंगे यहाँ पे, जो कि कस्टम रिसाइकलर व्यू के अंदर जो हमने स्टार्टिंग लोड को हमने सेट किया है वो हम यहाँ पे इस साइज़ के अंदर सेट कर देंगे। लोड स्टार्ट में जितना हमने कंटेंट यहाँ पे हमें चाहिए तो वही मैक्स रिकॉर्ड हमें यहाँ पे गेट करना है। तो यहाँ पे गेट कॉलम के अंदर हमने इसको सेट कर दिया और इसके बाद हम यहाँ पर और एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो इसको हमने डुप्लीकेट कर लिया और इसके बाद हम यहाँ पर इसको सेट कर देंगे मोड। तो एयरटेबल के साथ डाटा किस तरीके से गेट करना है उसके ऊपर मैंने पहले जो कि वीडियो में भी बताया हुआ था, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम जो कि मैथ्स का ब्लॉक को लेके सबसे पहली बार जैसे ही जो वैल्यू गेट करेगा तो यहाँ पे हमारा मोड 1 हो जाएगा, और जैसे ही कलम हम यहाँ पर गेट करेंगे तो उसके बाद हम इसको चेकआउट करेंगे, तो गॉट कलम वाला ब्लॉक हम इसके अंदर ले लेते हैं। तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे 3 वेरिएबल हम और क्रिएट कर लेते हैं, टाइटल लिस्ट, सब टाइटल लिस्ट एंड इमेज लिस्ट। तो इसके लिए हम इसको जो कि क्रिएट एम्प्टी लिस्ट के साथ इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं। तो 3 वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया, टाइटल लिस्ट, सब टाइटल लिस्ट एंड इमेज लिस्ट। तो इसके अंदर हम यहाँ पे जो कि कंट्रोल से हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देंगे और इफ हमारा मोड इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे टाइटल लिस्ट जो हमने गेट किया है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे टाइटल का वैल्यू इसके अंदर सेट कर दिया और उसके बाद हम दोबारा गेट कॉलम को इसके अंदर से हम जो कि डुप्लीकेट करके इसमें सेट कर देते हैं, और इसमें जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है जो कि सब टाइटल वो हम इसमें सेट कर देते हैं, और इस बार हमारा जो कि मोड हम यहाँ पे सेट करेंगे 2। फिर इल्स इफ का ब्लॉक हम यहाँ पे लगा देंगे और नेक्स्ट टाइम जैसे हमारा वैल्यू आएगा तो यहाँ पे हमारा सब टाइटल लिस्ट के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगा, और दोबारा से हम इसको कॉल करेंगे जो कि हमारा इमेज लिस्ट को गेट करना है, और इस पर हम यहाँ पे जो कि इमेज कॉलम का नेम हम इसमें सेट कर देते हैं, और लास्ट जो हमारा यहाँ पे जो कि मोड को भी हमें सेट करना है 3। अगर मोड इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे वैल्यू स्टोर होगा हमारा इमेज लिस्ट के अंदर। तो लास्ट वैल्यू जैसे ही हमें मिल जाएगा तो इसको हम कर देते हैं 3। तो हमने यहाँ पे 3 लिस्ट के अंदर अलग अलग वैल्यू को स्टोर कर लिया है। तो जैसे ही हमारा लास्ट वैल्यू जो कि आपने जितने कलम क्रिएट किया है उस हिसाब से आप और भी अगर है तो वो आप यहाँ पे लूप क्रिएट कर सकते हैं, तो एक के बाद एक आपका वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो जैसे ही आपका लास्ट वैल्यू यहाँ पे मिल जाता है इमेज लिस्ट, और उसके बाद आप यहाँ पे लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो कि कस्टम रिसाइकलर व्यू के अंदर आपको कंपोनेंट मिल जाएगा क्रिएट वाला, तो वो वाला आप इसमें सेट कर देना है, और उसके बाद वर्टिकल जो कि अरेंजमेंट हमने इस अपने लिया है तो वो वर्टिकल अरेंजमेंट के साथ इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो कि लोड डाटा जो पहला कंपोनेंट है वो वाला हम इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे जो कि ऐड आइटम वाला ब्लॉक को हम इसमें सेट कर देंगे, और सबसे पहले जो कि हमने टाइटल लिस्ट में से इसका वैल्यू को गेट करना है तो उसके लिए सिलेक्ट लिस्ट आइटम इंडेक्स्ड, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे टाइटल लिस्ट और इसमें हम सेट करेंगे पोजिशन। तो यहाँ पे हमारा टाइटल और इसके बाद नेक्स्ट जो कि सब टाइटल और उसके बाद इमेज का पोजीशन हमें इसमें सेट कर देना है, और लेफ्ट आइकन और राइट आइकन के लिए आप यहाँ पे जो कि एम्प्टी ये वाला ब्लॉक आप इसमें लगा सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे लेफ्ट आइकन और राइट आइकन का URL सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके लिए भी अलग से लिस्ट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और ये
करने के बाद आपका ये पहला जो स्टार्ट लिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो जो कि पहले वर्जन से हमने कुछ थोड़ा इसमें बदलाव किया है और कुछ ब्लॉक आपको इसमें इम्प्लीमेंट करने की अभी ज़रूरत नहीं है, बस अपने स्क्रीन इनिशियलाइजिंग में ये लगा दिया और लोड डाटा के अंदर आपने ऐड आइटम लगा दिया, तो आपका ये जो कि पहला जो लिस्ट आइटम है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद मोर आइटम लोड करने के लिए हमें नेक्स्ट स्टेप करना होगा। तो अभी हम ये जो कि टेस्ट करके देख लेते हैं हमारा ये पहला जो डस्ट आइटम है वो हमें लोड हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम इसको जो कि कंपेनियन के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारा ये लाइव टेस्टिंग में हमने कनेक्ट कर लिया है, तो इसके अंदर हमारा शुरू का जो डस्ट आइटम है यहाँ पे लोड हो चुका है। और इसमें हम जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारा नीचे प्रोग्रेस बार चालू हो गया है। तो इसमें हमें मोर आइटम लोड करने के लिए वो हमें नेक्स्ट ब्लॉक जो कि हमें इसमें इम्प्लीमेंट करना होगा। तो पहला जो कि आपको स्टार्टिंग का जो डस्ट आइटम है वो लोड करने के लिए आपको बस इतना जो कि ब्लॉक इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे करना होगा। इनिशियलाइजिंग में आप गेट वैल्यू और गेट वैल्यू करने के बाद डाटा लोड के अंदर इसमें आप इतना सेट कर देंगे तो आपका पहले का जो डस्ट आइटम है वो सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना है वो है कि मोड जो कि लोड मोर आइटम। तो लोड मोर आइटम को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए आप यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे टेबल के अंदर देखना है जो कि है मैक्स रिकॉर्ड आपने यहाँ पे कितना सेट किया हुआ है। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक ब्लॉक जो कि इनिशियलाइजिंग में और एक लगा सकते हैं गेट ऑल रो, ये वाला ब्लॉक आप यहाँ पे जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे मैक्स रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा जो कि कितना डाटा आपका है। तो स्प्रेडशीट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे गेट ऑल रो, तो इसमें हमने 1500 रो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है तो उसका जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा। तो अगर हम इसको अगर लेवल के अंदर सेट करके देखते हैं तो इनिशियलाइजिंग में हमें कितने सेकंड में जो कि हमारा इसका जो वैल्यू है वो हमें मिल जाता है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो वो हम सेट कर देते हैं और लेवल को टोटल रो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, फॉन्ट साइज को मैं 20 कर देता हूँ और इनिशियलाइजिंग में ये लोड होगा। तो जैसे कि हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गया है कि हमारा टोटल जो रो है वो 1500 है, तो वही आपका जो कि यहाँ पे मैक्स लेंथ के अंदर आप इसमें सेट कर सकते हैं ताकि आपका एप्लीकेशन कभी भी जो कि लेंथ के हिसाब से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बाद में भी अगर आप कोई आइटम जो कि डायनोमिकली ऐड करेंगे वो उसका वैल्यू वो ऑटोमेटिक यहाँ पे गेट कर लेगा कि मैक्स वैल्यू कितना है, तो वो मैक्स वैल्यू आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको ब्लॉक मिल जाएगा लोड मैक्स। तो लोड मैक्स वैल्यू को आप इसमें सेट कर सकते हैं टोटल रो, तो जो वैल्यू हमने अभी लेबल में शो किया था तो वही वैल्यू आप यहां पे सेट कर सकते हैं टोटल जो भी आपका वैल्यू है। आप अगर पहले 100 आइटम ऐड किया है तो बाकी तब यहां पे आपका 100 आइटम ही लोड होगा, अगर बाद में अगर कोई भी जो कि आइटम अगर आप यहां पे और ऐड करते हैं तो उसका जो लेंथ है वो यहाँ पर पता कर लेगा। तो यहाँ पर आपको ये मैक्स लोड इसमें आप सेट कर देना है और उसके बाद आपको जो कि नेक्स्ट स्टेप इसमें फॉलो करना है लोड मोर आइटम को ऐड करने के लिए जो कि मोर लोडिंग। तो मोर लोडिंग वाला ब्लॉक आप यहाँ पे इसमें इम्प्लीमेंट करना है और इसमें आप जो कि आपको यहाँ पे जो साइज़ हमने सेट किया था जो कि इनिशियलाइजिंग में साइज लोड साइज से गेट करेगा और मोर लोडिंग वाला ब्लॉक जो हमने अभी लिया है मोर लोडिंग के अंदर यहाँ पे जो हमारा साइज इसमें हम सेट करेंगे जो कि है लोड मोर, तो ये वाला साइज हम यहाँ पे सेट कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे जो कि जो इनिशियलाइजिंग में हमने गेट कॉलम किया था उसको हम यहाँ पे डुप्लीकेट करके दोबारा हम इसमें कॉल कर देंगे। तो इसमें मैक्स रिकॉर्ड जितना हमने लोड मोर किया था उस हिसाब से मैक्स रिकॉर्ड इसमें बढ़ जाएगा, तो इसको भी हम डुप्लीकेट करके मोर लोडिंग के अंदर लगा देते हैं। तो मोर लोडिंग के अंदर सेम चीज जो हमने इसकी इनिशियलाइजिंग में लगाया था वही चीज आपको यहां पे लगाना है और उसके साथ इस मोड को दोबारा हम वन कर देंगे।
बस यहाँ पे आपने इसको सेट कर दिया, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो कि मोर डाटा करके आपको ब्लॉक मिल जाएगा, तो उसके अंदर सेम वही चीज़ आप यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हैं, ऐड आइटम वाला। तो इस बार का जो ब्लॉक सेटअप है बहुत ही सिंपल हमने इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है, ताकि ज़्यादा कुछ आपको इसमें इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा। जो कि मोर लोडिंग आपने यहाँ पे सेटअप कर दिया, जो ही जो चीज़ आपने इनिशियलाइजिंग में यहाँ पे गेट किया था, जो साइज को हमने इनिशियलाइजिंग में लोड स्टार्ट से कनेक्ट किया था, और उसके बाद मोर लोडिंग के अंदर साइज को हमने यहाँ पे मोर लोडिंग वाले में से हमने कनेक्ट कर दिया। तो अभी हम इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं हमारा ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो उसके लिए हम इसमें कुछ वैल्यू को सेट कर लेते हैं, जो कि लोड स्टार्ट के अंदर 5 आइटम दे देते हैं और लोड मोर के अंदर हम 5 आइटम दे देते हैं। इसमें यहाँ पे 100 दिया हुआ है, लेकिन डायनोमिकली हमारा ब्लॉक में इसमें जितना मैक्स रिकॉर्ड है उस हिसाब से वो गेट कर लेगा। तो हमारा ये डाटा लोड हो चुका है। तो अभी जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे, 5 आइटम यहाँ पे इनिशियलाइजिंग में लोड हुआ, फिर उसके बाद हमारा और 5 आइटम लोड हुआ, फिर उसके बाद हमारा और 5 आइटम 15। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये सेट हो जाएगा, जो कि अभी हमने मैक्स रिकॉर्ड जो कि इनिशियलाइजिंग में हमने एयरटेबल से गेट किया है, मैक्स रिकॉर्ड कितना है इसमें जितना डाटा है वो मैक्स रिकॉर्ड है। अभी अगर हम इसको यहाँ में सेट नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे जो कि स्टैटिक वैल्यू हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, मैक्स रिकॉर्ड अगर हम सेट कर देते हैं 20, तो इनिशियलाइजिंग में हमारा स्टार्टिंग 5 आइटम लोड हो गया, फिर उसके बाद और 5 आइटम, फिर उसके बाद और 5 आइटम। तो ऐसे करके जैसे ही 20 में चला गया, तो और इसके बाद और लोड नहीं होगा। तो वो चीज़ आप यहाँ पे सही से मैक्स रिकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर मैक्स रिकॉर्ड में कुछ अगर ज़्यादा या कम हो गया तो आपका एप्लीकेशन क्रैश कर सकता है, वो आप सही से देख लेना है। तो दोबारा हम वही लगा देते हैं जो यहाँ से टोटल रो गेट करेगा, वही चीज़ हम इसमें सेट कर देते हैं। तो बेसिक जो इम्प्लीमेंटेशन है वही है। तो आपको डाटा को गेट करने के लिए, लोड करने के लिए आपको यही इम्प्लीमेंटेशन है। बाकी डू क्लिक के अंदर आप यहाँ पे ऑन क्लिक लिस्ट आइटम, ऑन क्लिक लेफ्ट आइकन, वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। ऑन क्लिक आइटम और ऑन क्लिक लेफ्ट आइकन, तो सेम चीज़ में वही चीज़ जो कि ऑन क्लिक आइटम के अंदर आपको उसमें से वैल्यू को गेट कर सकते हैं। सिलेक्ट जो कि टाइटल का वैल्यू, सबटाइटल वैल्यू एंड इमेज आइकन का वैल्यू है वो आप गेट कर सकते हैं सिलेक्ट लिस्ट आइटम इंडेक्स करके। तो इसके लिए नोटिफायर का कंपोनेंट हम ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने ऑन क्लिक के अंदर टाइटल को गेट करने के लिए सिलेक्ट लिस्ट आइटम इंडेक्स टाइटल को हमने इसमें सेट कर दिया। तो यहाँ पे हमें अलर्ट मैसेज के अंदर जो भी हमारा पोजीशन वाइज टाइटल होगा वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो ऑन क्लिक मेथड को आप किस इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, और उसके बाद बाकी जो कंपोनेंट है उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे कि ऑन स्क्रॉल में फ्लोटिंग एक्शन बटन या वो अगर आपको लगाना है तो आप किस तरीके से लगा सकते हैं, वो वाला के लिए आप लास्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में कुछ ब्लॉक का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा अलग था, तो इस बार हमने थोड़ा कुछ अलग कर दिया है, अभी और भी चीज़ें सिंपल कर दिया है, ताकि कोई भी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत ना हो। और उसके बाद ये इसका जो AIF फाइल है, जैसे कि Airtable के साथ कनेक्ट करके हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसका जो AIF फाइल आपको डीपोस्ट एप्लीकेशन की प्रोजेक्ट स्क्रीन के अंदर आपको मिल जाएगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ अब तक जो कि रिसाइकलर व्यू एक्सटेंशन को आप किस तरीके से Airtable के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हमने बता दिया है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।